स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रांच वाइज कट ऑफ देखने वाले हैं, ठीक है। हर एक ब्रांच का, आपकी कंप्यूटर साइंस, ENTC, IT, AI, ML, हर एक ब्रांच का कितना कट ऑफ जाएगा, टॉप कॉलेजेस में, मीडियम कॉलेजेस में, लो लेवल कॉलेजेस में, पूरी शीट प्रोवाइड करने वाला हूं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके, ओके। और प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। जैसे ही 1000 लाइक्स कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा। और WhatsApp ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि WhatsApp ग्रुप के माध्यम से आप डायरेक्ट मुझ तक बात कर सकते हो, कुछ भी डाउट रहा आप मुझे पूछ सकते हो। और सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, CET सेल की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट आया तो सबसे पहले मैं आपको WhatsApp ग्रुप पे डाल दूंगा, इसलिए प्लीज WhatsApp ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कुछ भी फॉर्म आता है CET सेल की तरफ से तो मैं सबसे पहले आपको WhatsApp ग्रुप पे डाल दूंगा। हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी कैप राउंड के न्यू डेट्स के ऊपर, ठीक है, न्यू रिजल्ट के ऊपर, न्यू आंसर के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे, तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना। सबसे बेसिक चीज के ऊपर बात करेंगे, क्या कैप राउंड की डेट्स अभी डिले होने वाले हैं। यस, डेफिनेटली आपके कैप राउंड की डेट्स डिले होने वाले हैं, ठीक है। लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, लास्ट ईयर 24 तारीख से, 24 जून से कैप राउंड के रजिस्ट्रेशन वगैरह शुरू हो गए थे, लेकिन अभी तक कोई सीईटी सेल की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, तो इसका मतलब आपकी कैप राउंड की डेट्स पोस्टपोन होने वाले हैं। पहली चीज तो क्लियर हो गई आपको, ठीक है। कब होंगे, कौन कौन से डेट्स, ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कब होगा, उसके बारे में आपको मैं आगे बताने वाला हूं। तो पहले तो समझ लो कि आपके कैप राउंड के डेट्स पोस्टपोन होने वाले। तो जो बच्चे होप्स लगा के बैठे हैं अभी भी कि आज आ जाएगा, आज आ जाएगा, तो नहीं बेटा, थोड़ा सा वेट कर लो, मैं आपको डेट्स बताने वाला हूं, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जानने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काउंसलिंग के लिंक डाल दिए, ठीक है। जो बच्चे अभी तक एनरोल नहीं हुए, जल्द से जल्द एनरोल हो जाना, ठीक है। पर्सनल काउंसलर आपको मिलेगा, वो पर्सनल काउंसलर आपकी कॉलेज लिस्ट बनाएगा, आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी कैटेगरी है, ओपन ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी होगी, जो भी आपकी ब्रांच होगी, कंप्यूटर आईटी, ईएनटीसी, उसके अकॉर्डिंग जिस सिटी में आपको एडमिशन चाहिए, जिस ब्रांच में चाहिए, सारी डिटेल आपसे लेके उसके अकॉर्डिंग कॉलेज लिस्ट बनेगी। वही कॉलेज लिस्ट आपको कैप राउंड में सबमिट करनी है। मैं गारंटी देता हूं उससे आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। कॉलेज लिस्ट को अपलोड वगैरह कैसे करना है, उससे रिलेटेड लेक्चर्स भी आपको ऐप पे देखने मिलेंगे, डिफरेंट सेशंस आते हैं, ठीक है। आज भी एक सेशन अपलोड किया है, जो बच्चे एनरोल्ड है प्लीज जाके वो सेशन देख लेना, ठीक है। तो लास्ट मौका है, जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्षण है, इसको आप मतलब बर्बाद मत करना, ठीक है। आपको इसको बहुत अच्छे से चीजों को सॉर्ट करके कॉलेज लिस्ट वगैरह बनानी है, हर एक चीज की गाइडेंस लेके आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि एक गलती यहाँ पे आपको नेक्स्ट 4 साल आपकी वेस्ट करा सकती है। आपका करियर का सवाल है तो ध्यान से समझ के काउंसलिंग चूज करना। कुछ भी समस्या है काउंसलिंग से रिलेटेड, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। कॉल नहीं उठाए जाते क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं, तो आप व्हाट्सएप कर देना, विद इन 24 आवर्स आपको जवाब तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी दूसरे पॉइंट के ऊपर कि आपका रिजल्ट नए से आएगा क्या। देखो सीईटी सेल रिजल्ट नए फिर से रिजल्ट नहीं ला सकती, ठीक है। अगर उनको थोड़ी सी भी मिस्टेक लगती तो वो फिर से आंसर की आपको डिस्प्ले नहीं करा दे। दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि कोई मिस्टेक नहीं हुई रिजल्ट में, इसीलिए वो आपके आंसर की दिखा रहे। सिंपल सी चीज है ये, आपको बेसिक साइकोलॉजी समझनी होगी, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं हुई रिजल्ट में, उसके हिसाब से वो आपको आंसर की भी दिखा रहे और सारे क्लैरिफिकेशन देने के लिए भी रेडी है, ठीक है। तो आप न्यू रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन मत करना, ठीक है। हमें जितनी आवाज उठानी थी, जितना हमसे हो पाया उतना हमने किया, ठीक है। एट द एंड अभी आपका जो रिजल्ट है उसको आपको आपको एक्सेप्ट करना होगा। सीईटी सेल ने न्यू आंसर की क्यों रिलीज की, इट इज फॉर क्लैरिफिकेशन। आपको क्लैरिफिकेशन दिया जाएगा कि हाँ आपके इतने मार्क्स पे इतने परसेंटाइल बने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे झूठ कुछ नहीं है, ऐसा बताने के लिए आंसर की रिलीज हो रही है, बेसिकली सिंपल चीज है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंप्लेंट कर रहे थे कि हमें आंसर की नहीं दिखाता सीईटी सेल स्कैम कर रहा है, क्योंकि 2 ही दिन आंसर की दिखाई। तो इन सब चीजों का क्लैरिफिकेशन सीईटी सेल ने दे दिया, ठीक है। अभी बहुत सारे बच्चों के जो भी डाउट्स होंगे, सच में आपको अगर 180 मार्क्स पे 5 परसेंटाइल होंगे तो आप सीईटी सेल को मेल करके आप क्लैरिफिकेशन मांग लेना, सिंपल चीज है। अभी टाइम वेस्ट करने में मजा नहीं है अभी, ठीक है। जिन क्योंकि मैंने आवाज उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे नो स्कैम, ठीक है। कुछ हुआ नहीं है, 90% बच्चे ऐसा बोलने लग जाते। तो कोई टीचर, कोई क्रिएटर इन सब चीजों में कुछ नहीं कर पाता। रिजल्ट की अपडेट क्लियर होगी, कैप राउंड की अपडेट क्लियर हो गई, न्यू आंसर की में आपको क्या चीजें चेक करनी है, बस आपके का जो मार्क्स थे पहले वही मार्क्स अभी भी है या नहीं वो चेक कर लो। और बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कि 180 मार्क्स पे आपके 40-50% आ रहे, देन यू कैन डेफिनेटली रेज अ कंप्लेंट, ठीक है। तो लेकिन ऐसा है कि 60 मार्क्स पे आपके 60% आ रहे, तो
वहां पे समझ जाना कि हाँ चलो डिफिकल्टी लेवल वगैरह कम हो सकती है। देखो अभी मैं आपकी साइड से अगर बोलना चाहूँ ना तो मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ, नहीं हम आवाज उठाएंगे, आप ये करेंगे वो करेंगे जैसा कि बाकी क्रिएटर्स करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको समझने की आवश्यकता है, अगर सीटीसेल को कुछ एक्शन लेनी होती तो अब तक ले चुके होते, अभी जो चीजें है उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। क्लियर बात है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, कैपराउंड की न्यू डेट्स क्या होगी। आपका कैपराउंड का रजिस्ट्रेशन मोस्ट प्रोबेबली 1st of July से लेकर 10th of July तक आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 4-5 दिन में खत्म होगा। 15 July तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीजें हो जाए। 20 July तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आके। 24 July तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाए। उसके बाद 25 July से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हो जाए आपकी, और 1st August के 1st week में आपको कैपराउंड का अलॉटमेंट मिल जाए। तो उसके अकॉर्डिंग एक एक हफ्ते में कैप 2 कैप 3 हो जाएंगे आपके। तो 20 August तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरा आपका प्रोसेस खत्म हो जाए। सो दिस इज बेसिक शेड्यूल अबाउट योर कैपराउंड, ठीक है। जिस हिसाब से सीटी सेल का स्पीड है उस हिसाब से मैंने आपको शेड्यूल बताया। बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स वगैरह में सेम शेड्यूल प्रोड्यूस हुआ है, तो आपको इस शेड्यूल को मानते हुए आगे की चीजें अभी करने शुरू कर देना है, ठीक है। अभी आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके हाथ में जो चीज है वो है कॉलेज लिस्ट, उसको गलत मत करना। अगर आपके घर में कोई बड़ा भाई बड़ी बहन है, उनको 350 कॉलेजेस की नॉलेज है महाराष्ट्र की, तो उनसे बनवा लो। कोई आपके पिताजी है तो उनको अगर नॉलेज है तो उनसे बनवा लो। लेकिन अगर आपके आजू बाजू में ऐसा गाइडेंस वाला कोई नहीं है तो प्लीज काउंसलर से कॉलेज लिस्ट बनवाना, वो आपके लिए अच्छे से गाइड करेंगे, बेस्ट कॉलेज लिस्ट बना के देंगे। अगर मुझे यहाँ पे बोलना होता कि नहीं मेरी ही काउंसलिंग लो, मेरी काउंसलिंग के अलावा कुछ नहीं होगा आपका, ऐसा भी बोल सकता था। लेकिन नहीं, अगर आपके सराउंडिंग में है कोई पढ़ा लिखा इतना कि उसको 350-400 कॉलेजेस की आइडिया है तो आप उनसे बनवा सकते हो। अगर नहीं है तो आप काउंसलर को चूज कर सकते हो, काउंसलर आपके साथ रहेगा पूरे एडमिशन प्रोसेस के दौरान, इस बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूँ। खत्म करता हूं मैं इस वीडियो को। आई होप अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू।